आप सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में एक नौसिखिया हो या एक अनुभवी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप यूपीएससी प्रेपरेशन केंद्र एरिया में रहते हो या छोटे शहर के रूप में माने जाने वाले क्षेत्र पर आधारित हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण ये है कि आप परीक्षा के उन महत्वपूर्ण घंटों में जहाज को कितनी अच्छी तरह से चलाते हैं। आप इस समय में मेहनत के बाद सबसे ज्यादा मायने रखता है स्मार्ट वर्क। तो विशेष रूप से सिविल सेवा यानी यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा के लिए इस कड़ी मेहनत को एक संरचित तरीके से संयोजित करने की आवश्यकता है, ताकि दिए गए संसाधनों के साथ सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो सके। और इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस परीक्षा की तैयारी समय के अनुसार कैसे करनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी की तैयारी के दौरान किस समय किस सब्जेक्ट पर फोकस करें। तो आईएएस परीक्षा को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जननी माना जाता है। ये विशेष रूप से मुख्य परीक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम भारी परीक्षा है, इसलिए उम्मीदवारों को मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयारी शुरू करनी होगी। यदि आप प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए अपनी तैयारी शुरू करते हैं, तो आपके पास सामान्य अध्ययन पेपर, निबंध पेपर और वैकल्पिक विषय की तैयारी के लिए केवल 4 महीने होंगे, और ये लगभग असंभव है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से ये एक है कि मुझे यूपीएससी में सबसे पहले कौन सा विषय शुरू करना चाहिए। तो हर साल बहुत सारे उम्मीदवार जो होते हैं वो परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन केवल कुछ ही सही तैयारी रणनीति का पालन करके लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। इसलिए यदि आप अगले वर्ष प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो आपको पिछले वर्ष जून में अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो एक पूर्ण प्रमाण अध्ययन योजना बनाना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपीएससी परीक्षा एक मैराथन की तरह है, और सही योजना पर टिके रहना बहुत महत्वपूर्ण है। तो होता यह है कि शुरुआत में आप कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसे ही टाइम धीरे धीरे बीतता जाएगा तो आपकी जो एनर्जी होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले अपना एक मैक्रो प्लान बनाएं और अपनी स्टडी प्लान बनाएं, ताकि आपका जो सिलेबस खत्म हो जाए, साथ ही साथ रिविजन के लिए भी आपको टाइम मिल सके। तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए सामान्य अध्ययन के पेपर से अपनी तैयारी आप शुरू करें। अपनी पढ़ाई को विभिन्न महीनों में विभाजित करें और उन विषयों की सूची बनाएं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अलग अलग हैं। सामान्य अध्ययन में आपको पता है 9 विषय हैं: इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, नैतिकता। इसलिए विषयों को पूरा करने और उन्हें ठीक से दोहराने के लिए अपनी एक योजना बनाएं। सुनिश्चित करें कि आप अंतिम 2 महीने केवल रिविजन और आप अभ्यास के लिए रखें। तो सामान्य अध्ययन पेपर के लिए अपनी तैयारी शुरू करें और 2 विषय लें, क्योंकि एक विषय को लगातार पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, थोड़ा नीरस हो जाता है। इसलिए एक ऐसा विषय चुनें जिसमें आप बिल्कुल नए हों, और दूसरा वो वाला विषय लें जिससे आप अच्छे खासे परिचित हों। तो यह आपको आपका जो कंफर्ट जोन बनाने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में भी मदद करेगा। तो मुख्य उद्देश्य सबसे पहले रुचि और अनुशासन पैदा करना है, क्योंकि आपको लंबे समय तक अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। हमने बताया मैराथन है, तो आपके द्वारा चुने गए 2 विषयों में अवधारणाओं को ठीक से समझना होगा और उनको दोहराना होगा। अगस्त और सितंबर में पढ़ाई के घंटे बढ़ाने हैं आपको। अब कठिन विषय को पूरी तरह से खत्म कर दें और दूसरा विषय भी शुरू कर दें। एक बार जब सामान्य अध्ययन पेपर और वैकल्पिक का 2/3 और प्रीलिम्स का पूरा पाठ्यक्रम पूरा हो जाए, तो आपको केवल प्रीलिम्स पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सामान्य अध्ययन जो होगा वो नोट्स का पुनरीक्षण करें, और आपको पूरे पाठ्यक्रम को कम से कम 3 बार दोहराना चाहिए। सामान्य अध्ययन पेपर और सीसैट दोनों के लिए अधिक से अधिक प्रश्न पत्र हल करने का
यही सबसे अच्छा समय है। यदि आप कम से कम 100 प्रैक्टिस पेपर हल नहीं करते तो उत्तीर्ण होने की न्यूनतम संभावना है। सभी उम्मीदवारों को ये सुझाव दिया जाता है कि CSAT को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इससे परीक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रीलिम्स परीक्षा के बाद नैतिकता, सत्यनिष्ठा, योग्यता और वैकल्पिक विषय पेपर के सिलेबस को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें जो प्रीलिम्स परीक्षा के बाद बचे हैं। कम से कम 10 घंटे पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि अब आपको पूरी स्पीड दौड़ना है। तो मेन से पहले आपके पास सिर्फ अब 3 महीने बचे हैं, तो कोशिश करें कि पूरा सिलेबस पहले ही महीने में पूरा कर लें। और अब आपका पूरा फोकस रिवीजन पर होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे कि भूकंप, सुनामी, पर्यावरण, प्रदूषण, शहरों का कार्यात्मक वर्गीकरण, पंचायती राज, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इन विषयों पर नोट्स अपने पास रखें। अब इन 3 महीनों में जितना हो सके उत्तर लेखन पर आप काम करें। कई उम्मीदवार इस समय उत्तर लेखन अभ्यास से चूक जाते हैं, लेकिन आपको सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक दोनों पेपर्स के लिए उत्तर लेखन अभ्यास पर भी ध्यान देना चाहिए। साक्षात्कार सत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बड़ी मात्रा में जनवरी को संरचित तरीके से सीखें। तो धीरे धीरे उत्तर लेखन, निबंध लिखना, MCQs हल करना और सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक पेपर में उत्तर प्रस्तुत करने में आप अपने कौशल में सुधार करें। इसके अलावा आपको खुद को बिना थकाए लंबी प्रक्रियाओं को सहने, अनुशासन बनाए रखने और दबाव में कड़ी मेहनत करने जैसी क्षमताओं में भी सुधार करना चाहिए। अपनी अध्ययन योजना पर कायम रहें और आत्मनियंत्रण की जो क्षमता है उसको विकसित करें और किसी भी मुद्दे पर सटीकता से बोलें। भयभीत, आक्रामक, निराश या क्रोधित ना हो, बल्कि आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि समता एक ऐसा गुण है जो आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कॉमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।